इस मजेदार चुनौती को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा लगता है कि जेसिका भूख से मरी जा रही है और इस समय उसे सारे डाइट और प्रतिबंध का कोई भी ख्याल नहीं है। वह भूख से बेहोश होने वाली है और अपने पेट में कुछ भी डाल लेने के लिए बेताब है। लेकिन फ्रिज खाली है और अलमारी में भी कुछ नहीं है। उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ को शांत करने के लिए वह क्या करेगी? लगता है कि एशली और रैचल थोड़ा खाने के लिए तैयार हैं, या शायद थोड़े से ज्यादा, पर मंगवाया क्या जाए? या कोई निश्चित नहीं है कि इन सारी स्वादिष्ट खाने की तस्वीरों को देखकर और दर्द हो रहा है या स्थिति में मदद कर रहा है। इतने सारे विकल्प हैं। लेकिन जेसिका को अपना छिपाया हुआ खजाना याद आ गया है, कुछ मीठा जिससे वह खुश हो जाए। बहुत अच्छा जेस, माफ करना लड़कियों, जब भूखे हो तो सब अकेले होते हैं। वाह बैम, और ऐसे ही शेफ केरा आ गई है सबको बचाने के लिए। अभी तो सरप्राइज शुरू ही हुआ है लड़कियों, क्या हम शुरू करें? तुम में से प्रत्येक को एक कार्य खत्म करना होगा एक एक फोल्डर उठाने के बाद, और यह उम्मीद मत करना कि यह आसान होगा। अभी हम पता करेंगे कि खाने के लिए तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो। अपने फोल्डर खोलो और लगता है कि जेसिका को काटना होगा, रैचल को कुछ नहीं और एशले को कुछ चाटना होगा। और यह है तुम्हारी पहली व्यंजन, मछली व्हिप क्रीम किस से सजी हुई। यह है वह स्वादिष्ट भोजन जो तुम लोगों को खाना होगा। मैं तो इससे 10 फीट दूर होती तभी भी ना छूती। तो इसका मतलब है तुम लोग के लिए खाने के लिए ज्यादा है। लगता है कि तुम्हें यह करना ही होगा। अब तुम्हारी बारी है जेस, एक बार बड़ा काटो या फिर भूखे ही रहो, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, रुक जाओ, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मछली एक ब्रोकली के रूप में बदल गई है, खराब बदलाव नहीं है, कम से कम इससे कोई बदबू तो नहीं आ रही है। दूसरा दौर, देखते हैं किस समय कौन क्या करेगा, और यह भी देख लेते हैं कि तुम में से कौन अपने दांतों को किस चीज में घुसाएगा। और भी बुरा हो सकता है ना? ठीक है, जेसिका इस दौर में आराम से बैठेगी। रैचल अपने दांतों को तैयार कर लो और एशली फिर से चलो शुरू करते हैं लड़कियों। एशली, हम जानते हैं कि आप बहादुर हैं और वास्तव में एक अंडे के छिलकों को चाटने में डरने की कोई बात नहीं है। रैचल पहले दौर में भागशाली थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुम इसे कैसे संभालती हो। चलो। ओह, कुड़कुड़ा। वाह, अगर सच सच कहूँ तो यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। अच्छा ये कि रैचल थी, हम नहीं। बहुत बढ़िया यार। क्या आपको सस्पेंस महसूस हो रहा है? हमारी प्यारी लड़कियों के लिए तीसरी दौर में क्या इंतजार कर रहा है? तो चलो उठाओ और देखो क्या है नीचे। छी, बिल्लियों का खाना। शेफ केरा, आप तो एक क्रूर बेदर्द कैफेटेरिया महिला से बदतर हैं। लेकिन नियम तो नियम है और खेल सबको खेलना होगा। सभी अपने कार्य उठा लो। जेसिका को इस बिल्ली के खाने को चाटना होगा, रैचल को इसे काटना होगा और एशली तो भाग्यशाली निकली। जैस, तुम पहली हो, तैयार हो जाओ और अपने कार्य को खत्म करो। किसे पता हो सकता है कि ये उतना बुरा ना हो। बहुत अच्छा, बस अपने आप को यही कहते रहना कि बाद में पुरस्कार के रूप में कुछ अच्छा खा पाओ, जैसे केक। वह शोर क्या है? साइरन, क्या चल रहा है? अच्छा मैं देख रही हूँ, रैचल को दंड दिया जा रहा है भाग लेने से मना करने के लिए। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के लिए मैडम। तुम कैसा महसूस कर रही हो? डिलीवरी। चलो समय बर्बाद मत करो और देखो इधर क्या है। मैं देख रही हूँ कि तुम सभी को चौथे दौर को शुरू करने का बहुत मन है, और एक बार देखो अपने अगले व्यंजन को ढूंढने के लिए। ठीक है, यह बहुत अजीब है और मैं तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि यह है क्या। यह रबड़ जैसा जेलो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओ, यह एक स्लाइम का प्लेट है तुम्हारे खाने के लिए। जेस, तुम सुरक्षित हो। रैचल को काटना होगा और एशली को अपना सामान्य कार्य फिर से करना होगा। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। एशली, अपनी अंदर की बिल्ली को बाहर निकालो और इसे चाटो। क्या तुम जिंदा रहोगी? शायद ये तुम्हारी बाकी के दौर के जितना बुरा नहीं है। शुभकामनाएं और शायद अलविदा रैचल, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। कितना भयानक, लेकिन तुमने यह कर दिया, प्रभावशाली। ढक्कन उतारो। और यह कपकेक है। आखिरकार तुम लड़कियों की अपनी पसंद का कुछ मिल गया है। चलो अब पता करते हैं कि असली विजेता कौन है।
है जैस, उन्हें मिला लो और सबको दे दो। जैसिका को केक मिलेगा, रेचल को भूखा छोड़ देंगे और एशली हमेशा की तरह वैसे ही। एशली थोड़ा सा तो मेरे लिए भी छोड़ देना, ठीक है? लगता है कि एशली तो इस बार अच्छे से कर रही है, अगर वह कर सकती तो। कुछ सही नहीं है। क्या वह तीखा है? अरे नहीं, इससे जैसिका को समझ आ गया कि क्या उसे नहीं करना है। उसे एक बड़ा बाइट लेना होगा और उसे निगलना भी होगा। वो सारे अजीब फ्रॉस्टिंग जब चला गया, तब जैसिका के पास स्वादिष्ट केक के अलावा कुछ नहीं है, है ना? अच्छा, और इसी बात पर चलो चुनौती जारी रखते हैं। हर दौर के साथ चीजें बहुत गंभीर हैं और तनावपूर्ण हो रहे हैं, है ना लड़कियों? और इस बार तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? पहले अपने कार्य बांट लो। और कुछ नहीं, चाटना और काटना। रुको, फिर से केक? यह सच नहीं हो सकता है। अरे जैस, तुम तो यह पिछले दौर में कर चुकी हो, अब दूसरे को तो आनंद लेने दो। चलो रेचल, चाटो इसे, इसे पहले कि कोई और करे। अब और वह पूरा केक मेरा है। अरे यह सही नहीं है, रुक जाओ तुम दोनों। लगता है कि बहुत देर हो गई, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब आप भूखे हो तो दोस्ती और नियम को पीछे छोड़ा जा सकता है, जो इन केक के टुकड़ों के साथ बिल्कुल नहीं किया गया है। स्वादिष्ट? हाँ, भगवान का शुक्र है इसके लिए। आप लोग को क्या लगता है कि अब क्या होगा, कुछ स्वादिष्ट या कुछ अजीब? क्या, एक कैक्टस? अरे यह तो पिछले दौर की तरह आसान नहीं है। ठीक है लड़कियों, तुम्हें पता होगा आगे क्या होगा। तुम लोगों को लग रहा है कि फोल्डर्स को बदल कर तुम लोग बच जाओगी? अब भीगी बिल्ली मत बनो। आखिरकार एशली को मिल गया जो वह चाहती थी, वह बच गई। जैसिका को चाटना होगा और रेचल को सबसे कठिन काम मिल गया है। जैस, तुम पहले जाओ। वाह, तुम वह कैसे कर रही हो जैस? तुम्हें बहुत दर्द नहीं हो रहा है? किसी हाल में नहीं। एक मिनट रुको, झूठी तुम्हारी जीभ। बहुत अच्छा मैडम, तुम चाहती तो तुम्हें सर्कस में काम मिल जाना चाहिए, लेकिन हम यह मान लेंगे। चलो रेचल, तैयार हो जाओ, अपने आप को काम पर लगाओ और दिखाओ कि तुम किस चीज की बनी हो। हम तुम्हारे ठीक पीछे हैं। रुक जाओ, यह एक खेल है, यह तुम्हारी बहादुरी का पुरस्कार है। पीछे हो जाओ तुम दोनों, यह मेरा है। ओप्स, तुम्हें और अधिक उदार होना चाहिए था। अब देखो क्या हो रहा है। और अब तो हम सुनिश्चित होकर कह सकते हैं कि चीजें और खराब होंगी। वैसे भोजन का आनंद लो सब लोग। अरे ध्यान से, और हमारे हेडसेप के पास जो घर पर देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ है। सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वादिष्ट। समय आ गया है मेडल देने का और हाथ मिलाने का। आज के शो के सभी सितारे के साथ हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। अपनी कुकी नेकलेस का आनंद ले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसे बचाओ जब तुम्हें अगली बार भूख लगे। रेचल, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम एक चैलेंज को छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो रहा है और तुम्हें अपना सर ऊंचा रखना है, लेकिन एक एहसान करो और अपना सर झुकाओ जरा। तुम लोगों ने कर दिखाया लड़कियों, सारे कार्य अब खत्म हुए। लेकिन बहुत अच्छी चुनौती थे ना, फिर करने के लिए कौन कौन तैयार? तुम्हें यह करना है। अरे घंटी बज गई छुट्टी। नहीं, मुझे लगता है कि ब्रेक के बजाय चुनौती पर जाना बेहतर होगा। तो क्या तुम लोग चुनौती पर चलना चाहते हो? उसमें पुरस्कार भी मिलेगा। बिल्कुल, और तुम्हारा पहला पुरस्कार यह भव्य हार होगा। जरा देखो यह कितना सुंदर है। वाह अद्भुत, बहुत सुंदर। इस तरह के नेकलेस केवल बड़े उम्र की औरतें ही पहनती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, चलो फिर कहती हूँ, बहुत अच्छा है। इसे बनाओ, पुरस्कार जीतो, फिर बूढ़ी अम्मा की तरह दिखो। जो इस हार की सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह पुरस्कार मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम लोग पूरी मन लगा कर ड्राइंग करोगे, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मैं इस हार को इनाम में जीत कर बहुत खुश होऊंगी। मुझे ड्राइंग करना शुरू करना चाहिए, मैं पूरी तरह से भूल गई थी।
ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा पेंट नहीं लगाना है। नहीं, मैं अच्छे से पेंट डालती हूँ। यह क्या बकवास है? जरूरी यह है कि सब फैशनेबल, नए डिजाइन का और जल्द से जल्द करना है। उप्स, ये क्या हो गया? खैर, फिर भी कुछ करती हूँ। लगता है किसी ने पेंट का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया है। यह हंसने वाली बात नहीं है। ठीक, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लोरिया, तुम्हें मेरा जवाब जरूर मिलेगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि पेंट कैसे किया जाता है। ओ, मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। हाँ? अजीब है, जबकि मैं सब कुछ मन लगाकर ध्यान से कर रही थी। यहाँ तक कि लोला भी मुझसे अच्छा कर रही है। सूजी की ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। मैं क्या गलती कर रही हूँ? मुझे लगता है कि इस हार को पाने के लिए मुझे सूजी की ड्राइंग बर्बाद करनी पड़ेगी। फिर वह हार निश्चित रूप से मेरा होगा। मुझे तो लग रहा है कि मैं ही जीतूंगी। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी बन रही है। यह क्या है? हाँ? मेरे पास इतनी चिपचिपी बोतल क्यों है? ओह, ये क्या हो रहा है? ग्लोरिया, क्या ये सब तुम्हारे किया धरा है? मैंने हाँ? कुछ नहीं किया है। शायद लोला ने किया हो। देखो उसकी धूर्त नजरों को। लोला, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म किसलिए? मैंने कुछ नहीं किया है। ज्यादा झूठ मत बोलो। अब भूख दो। तुम क्या कर रही हो? ये कितना घिनौना है। तुम्हारे साथ सही हुआ। कितना दर्द हो रहा है। मेरा बेचारा हाथ। हाथ? हाँ, और इधर ग्लू मेरे पूरे चेहरे पर फैली हुई है। हाँ, वो तो है। वैसे ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आया। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अच्छा क्या होता है। अब मजा चखाने का समय आ गया है। बस हो गया। लड़कियों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अब अपने काम दिखाओ। लोला, क्या तुमने कोशिश भी की है? यह भयानक लग रहा है। और तुम ग्लोरिया, मुझे पक्का पता है कि तुम और अच्छा कर सकती थी। तुमने मन लगा कर क्यों नहीं किया? और सूजी, ये रही उसकी ड्राइंग। ये बस शानदार है। सच में ये शानदार है। मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। हाँ, तो यह तुम हो जिसे आज का यह पुरस्कार मिला है। वाह, यह जरूर काफी महंगा होगा। एक बार ये मुझे पहनने दो प्लीज। मुझे बहुत मन हो रहा है इसे पहनने का। पहनना है? ओके। नहीं, अगर ये चोरी हो गया तो इसे मैं खुद ही पहनूंगी। देखो, अब मैं एक असली शहजादी की तरह लग रही हूँ। मैंने हमेशा एक राजकुमारी बनने का सपना देखा है। सभी राजकुमारी बनने का सपना देखते हैं। मैं भी हर दिन राजकुमारी बनने का सपना देखती हूँ। मुझे वो नेकलेस दो। No freaking way. ये मेरा है। Well, मेरा होना चाहिए। अपना हाथ हटाओ। मेरे हार को छूने की कोशिश मत करो। वो टूट जाएगा। छोड़ो। देखो, मैंने क्या कहा था? अब मैं फिर से वही साधारण सूजी की तरह दिख रही हूँ। क्योंकि ये सही नहीं था। इसे मेरा होना चाहिए था। दोस्तों, इस बार फिर से तुम लोग एक अच्छे पुरस्कार का इंतजार कर रहे हो। जरा इन स्वादिष्ट कीड़ों को देखो। क्या कीड़े? कितना घिनौना है। पर इस बार ड्राइंग करना ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि तुम्हें इसे दो उंगलियों से करना होगा। इन छोटे हाथों को ले लो और अब तुम लोग शुरू कर सकते हो। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि खराब ड्राइंग बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो कीड़े जरूर मुझे ही मिल जाएंगे। मुझे कुछ सुंदर ड्राइंग बनाना होगा। जरूर
बात यह है कि मुझे इन कीड़ों को नहीं खाना है। बकवास, बेकार पेंसिल। ऐसे कौन शार्प करता है? सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इतना कचरा क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तुमने क्या कर दिया? अब सारा कचरा मेरे ड्राइंग पर है। घबराओ मत, अब मेरी उंगली हथेलियाँ इस दुर्घटना को जल्दी ठीक कर देगी। जी धन्यवाद। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरा ड्राइंग बहुत भयानक दिख रहा है। मैं क्या करूं? मैं उन कीड़ों को नहीं लेना चाहती हूं। शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। बेहतर होगा कि तुम मेरी ड्राइंग देखो और कुछ इसी तरह का चित्र बनाओ। ड्राइंग बनाओ? पर क्यों? उससे अच्छा मैं तुम्हारी ड्राइंग ले लेती हूं। क्या? मेरी ड्राइंग कहां गई? ओह, तुम चोर! लड़कियों, समय समाप्त हो गया है। अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। क्या करूं मैं, क्या दिखाऊं? लोला, तुमने बहुत अच्छा किया है। इस बार तुम्हारी ड्राइंग बहुत बेहतर लग रही है, पर सूजी ने मुझे निराश किया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने ड्राइंग की थी, वो चोरी हो गई। ग्लोरिया, शाबाश, ये तुम्हारी सबसे अच्छी ड्राइंग है। ये मेरी ड्राइंग है, इसे वापस दो। छोड़ो इसे। नहीं, मैं इसे वापस नहीं करूंगी। अब झगड़ा बंद करो। ये जानी हुई बात है कि जिसने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, यानी सूजी को ये कीड़े मिलेंगे। ये कितने घिनौने हैं, सब रेंग रहे हैं। देखो, उसके अंदर कुछ लाल सा है। हाँ, सही में कुछ है। हाँ? ये अंगूठी है। देखो, ये कितनी खूबसूरत है। क्या तुमने कभी इससे खूबसूरत और कुछ देखा है? अंगूठी, इसे मेरा होना चाहिए। मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया है। नहीं, ये मेरी है। मैं अभी भी एक राजकुमारी हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम से सूजी। इतना बड़ा सुनहरा डोनट, कमाल का। मेरा वाला उतना सुंदर नहीं लग रहा है। इसी के साथ खुश रहो। और अब मेरे पास सबसे अच्छी और सबसे महंगी चीजें आ रही हैं। ये सॉस इतनी आसानी से डल रहा है। ये डोनट के साथ एकदम सही जोड़ है। और अब खाने का समय। यह लाजवाब है। क्राउन, धन्यवाद, बिल्कुल मेरे साइज का। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जब मैं अपना डोनट खाऊं। आह, मेरी मदद करो, मेरा क्राउन कहाँ है? इसके तो उम्मीद मैं नहीं कर रही थी। और मेरे विचार से तो यह क्रीम और फ्रॉस्टिंग बहुत स्वादिष्ट है। चिप्स, वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कैन तो बहुत ही साधारण सा है, पर मेरे वाला ऐसा लगता है कि यह सोने का बना हुआ है। और यह चिप्स भी। और यह चॉकलेट के साथ पूरी अच्छी तरह से जाता है। मैं तो बस अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। वह कमाल का था। आखिरकार अब मेरी बारी है इसे खोलने की। यह चिप्स नहीं है, ये कच्चे आलू हैं। कितना गंदा। इसकी तुलना तो चिप्स के साथ कर ही नहीं सकते। बेचारी सूजी को फिर से कुछ अच्छा नहीं मिला। इसे
इसे समाप्त करने का समय आ गया है। वो जो इतने मजे लेकर चिप्स खा रही है ना, उसको अभी मजा चखाती हूँ। मुझे लगता है कि चॉकलेट को सीधे कैन में डालना चाहिए। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। जरा देखो ये कैसा निकला। ये आलू कहाँ से आया? शांत हो जाओ, हम इसे अभी तुरंत निकाल देंगे। मैं तो लगभग मरने ही वाली थी। उप्स। कितना सुंदर केला, एकदम सजा समरा, रत्नों से जड़ा हुआ। और मुझे वही बोरिंग पीला केला मिला है। तुम्हें तो अब इन सब की आदत ही पड़ गई होगी। नहीं, कॉकरोच, कितना डरावना। सुजी, तुम्हें यह चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, चलो इसे बदल लेते हैं। कभी कभी साधारण चीज ही अच्छी होती है। और यह केला है, एकदम सही लग रहा है। स्वादिष्ट। एक कॉकरोच, कोई मदद करो, इसे अभी तुरंत मेरे ऊपर से हटाओ। माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। कॉकरोच, चलो भागो। कितने अच्छे रंगीन चमकीले कैंडी हैं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला। कभी हमें कुछ अच्छा मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं। हालांकि तुम मुझे देख सकती हो कि मैं अपने कैंडी को मजे कैसे लेती हूँ, पर यह सही नहीं है। मैं उनमें से एक ले लेती हूँ, ब्रिटनी को पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ। तो ठीक है, फिर मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। मैं अपना खुद का लॉलीपॉप बनाऊंगी। यह बहुत अच्छा बन गया, अब बस इसे पेंट करना ही बचा है। अब यह एकदम असली चीज लग रहा है। वाह, तुम्हें यह कहाँ से मिला? मुझे यह चाहिए। ओ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पर मैं इसे तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, लो यह लो। तुम्हारे साथ यह व्यापार अच्छा लगा, लो यह ले लो। और मैं जल्दी से एक महत्वपूर्ण काम पर लग जाती हूँ। मैं सारे कैंडी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूंगी। हाँ, यह हो गया। अब इसे चॉकलेट के साथ खाना ज्यादा आसान हो गया। सबसे अच्छा डेजर्ट। मैं भी अपना कैंडी खाकर देखती हूँ। कितना अजीब सा स्वाद है, ये तो कार्डबोर्ड की तरह लग रहा है। बर्गर, वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे अभी तुरंत खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं तो अपने दस्ताने पहनना भूल ही गई। अब इस पर सॉस डालती हूँ। और अब खाने का समय। यह कॉम्बिनेशन उतना बढ़िया नहीं है, सच कहूँ तो यह है। सोजी, देखो तुमने अपने दास्ताने किधर फेंके हैं। तुमने मेरा मेकअप बर्बाद कर दिया है। ओह, इसे खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बारे में तो सोचना भी मत, यह सब मेरा है। मैं इसे पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दूंगी, फिर खाऊंगी। बकवास है। ओह, इतने सारे सिक्के, मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा ताकि मेरे दांत टूटने से बच जाएं। तुम बहुत किस्मत वाली हो, ये सिक्के मेरे काम आएंगे। एक पूरा तरबूज, दिलचस्प। वैसे मेरे तरबूज के छिलके में कीमती रत्न जड़ा हुआ है, केवल चॉकलेट डालना बाकी है। wow.
बहुत रसदार। आखिर मैं इस तरबूज को काटू कैसे? मैं इसे पूरी ताकत लगाकर तोड़ देती हूँ। बहुत बढ़िया, यह बड़ा चम्मच अच्छे से काम करेगा। यम, अगर तुम कुछ शिष्टाचार सीख लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं इसे चॉकलेट से भरने वाली हूँ और फिर सब पी जाऊंगी। इस तरह से तो वो बहुत मजे कर रही है। कैसा रहेगा अगर मैं यह विशेष चीज को उसमें मिला दूं तो? तरबूज का आधा भाग अभी भी बचा हुआ है। हो गया, पूरा खत्म। अब समय है इसमें अच्छी चीज को भरने का। इसका स्वाद, मुझे उल्टी आ रही है। मेरे तरफ नहीं, मुझसे दूर रहो। पिज्जा। और मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। अरे वाह, कैश। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये असली पिज्जा से ज्यादा पसंद है। इस पैसे से मैं इटली जा सकती हूँ और वहाँ का विशेष पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ। हेलो, जागो, क्या तुम यहाँ हो? हेलो। ओह, मेरा पिज्जा, धन्यवाद। यह तुम्हारे लिए। यह बहुत अलग तरह का पिज्जा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस इस पर और चॉकलेट लगाने की जरूरत है। हमेशा की तरह उसे ही बेहतरीन व्यंजन मिले हैं। और अब यह टुकड़ा। मैं यहाँ सिर्फ ऐसे बैठने वाली नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं। और बदले में मैं तुम्हें अपना पेपरोनी दूंगी। छी, कितना खराब। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? पर यहाँ मेरे लिए सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। ओह मैन।